करने के पहले कुछ और अच्छी खबर भी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिख रही है। बिग ब्रेकिंग, खाने के तेल को लेकर अच्छी खबर आती दिख रही है। सरकार ने यहां पर स्टॉक लिमिट तय कर दी थी, क्योंकि खाने के तेल के दाम काफी तेजी से बढ़े थे, जिससे कि दाम काबू में ला पाए, इसके लिए एक बड़ा नोटिफिकेशन आता हुआ दिखा। आइए चलते हैं सीधे नई दिल्ली, हमारे संवाददाता अमरीश पांडे हमारे साथ इस वक्त बता रहे हैं पूरी डिटेल्स, क्या कुछ नोटिफिकेशन आया है सरकार की तरफ से। अमरीश बताएं। गुड मॉर्निंग सर। सर, खाने के तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही थी, सरकार ने इस पर एक बड़ी बैठक भी की थी पिछले कुछ दिनों में, और उस बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है कि स्टॉक लिमिट जो कि किसी भी तरीके के खाने के तेल और उनके सीड्स यानी कि तेल और तिलहन पर जो स्टॉक लिमिट लगाई गई थी वो स्टॉक लिमिट को एक्सटेंड कर दिया है। अभी तक ये स्टॉक लिमिट जो है जून 2022 तक की थी, उसको एक्सटेंड करके दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया है। और सरकार का इसके पीछे तर्क ये है कि इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, यानी कि जितने भी इंपोर्टर्स हैं, स्टॉकिस्ट हैं, मिलर्स हैं, उनको अपना स्टॉक बताना पड़ेगा, कितना इंपोर्ट उन्होंने किया है, कितना स्टॉक उन्होंने मार्केट में रिलीज किया है। इसके अलावा जहां जहां भी उन्होंने सप्लाई किया है उस सप्लाई चेन का पूरा जो है ब्यौरा उनको सरकार की जो वेबसाइट है उस पर देना पड़ेगा, और ये ब्यौरा जो है अभी तक 15 दिनों के लिए था, अब ये रोजाना ब्यौरा देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम है ताकि तेल की कीमतों पर नियंत्रण रखा जा सके, या अगर उससे ज्यादा कीमतें बढ़ती हैं या डिमांड कहीं से बढ़ रही है तो उसको नियंत्रित करने के लिए अगर कोई और पॉलिसी चेंज करना है उसको लेकर सरकार के लिए एक बड़ा इंटीमेशन मिल सकता है इससे। अगर बात करते हैं इसके इस फैसले के असर की, तो 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर ये फैसला लागू नहीं होगा। सरकार का कहना यह है कि इन राज्यों ने पहले ही अपने स्तर पे एक स्टॉक लिमिट लगा रखी है जो कि सरकारी जो स्टॉक लिमिट है उससे ज्यादा है, यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, उत्तराखंड, राजस्थान, ये राज्य ऐसे हैं जहां पर ऑलरेडी स्टॉक लिमिट लगी है जो कि सरकारी केंद्र सरकार की लिमिट है उससे ज्यादा है। तो ऐसे में इन राज्यों को छोड़कर बाकी पूरे देश में ये स्टॉक लिमिट रहेगी और इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी और तेल की कीमतों पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी। जो कंपनियां या जो इंपोर्टर्स में डील करते हैं उनमें जिन पे इसका असर होगा वो है अदानी विल्मर, रुचि सोया, एग्रोटेक फूड्स, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, अनेक इंडस्ट्रीज, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं या वैसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि इस तरह के तेल में डील करती हैं और उन पर इसका सीधा असर पड़ेगा। जी ओके, तो ये है उन सारी कंपनियों पर आज इम्पैक्ट। 6 राज्यों को छोड़कर देश में सारे प्रदेशों में स्टॉक लिमिट है, और स्टॉक लिमिट रहने का फायदा है कि तेल के दाम फिर ज्यादा बढ़ते नहीं है, ये खाने पीने के तेलों की बातचीत होती दिख रही है। धन्यवाद अमरीश पूरी जानकारी।